अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है पंजाब के तमाम स्कूलों के हवाले से बनाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है पंजाब के तमाम स्कूलों का शेड्यूल जारी कर दिया है, डेट शीट जारी कर दी है। पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक के जो है पेपर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। कौन सा पेपर किस तारीख को होगा और टाइम टेबल क्या होगा, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट शीट शेड्यूल फॉर फाइनल टर्म SBA 2024। इसमें जो है पंजाब के तमाम स्कूल जो है मौजूद हैं, SED, PEF और दानिश स्कूल वगैरह जो है, तमाम स्कूल जो है, तमाम स्कूलों की डेट शीट सेम होगी। इसमें जो है पेपर्स की दो शिफ्टें होंगी। पहली शिफ्ट जो है सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक पेपर लिए जाएंगे, और फिर जो दूसरी शिफ्ट है वो 12 बजे से लेके 3 बजे तक, और फ्राइडे वाले दिन जो है पेपर 2 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक ख़त्म होगा। 3 घंटे आप लोगों को पेपर का टाइम दिया जाएगा। बिलखसूस जो दानिश स्कूल्स हैं वहाँ जो है डबल शिफ्ट होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इस बिना पे जो है डबल शिफ्टिंग में पेपर लिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नोट कर लें, 14 मार्च 2024 को बरोज़ जुमारात अव्वल क्लास, पहली क्लास का जो है इंग्लिश का पेपर होगा, क्लास 2 का जो है जनरल नॉलेज का पेपर होगा, क्लास 3 का इंग्लिश का पेपर होगा, क्लास 4 का मैथ का पेपर होगा, क्लास 5 का जो है इंग्लिश का पेपर होगा, और क्लास 6 का मैथ का पेपर होगा, 7th क्लास का जो है इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा, और 8th क्लास का जो है साइंस का पेपर होगा। 15 मार्च 2024 बरोज़ फ्राइडे, इसमें जो है सिर्फ 6ठी क्लास का उर्दू का पेपर होगा, 7वीं क्लास वालों का जो है तर्जमतुल कुरान मजीद का पेपर लिया जाएगा, और 8वीं वालों को जो है उर्दू का पेपर होगा। और 15 मार्च को जो है बाकी जो मानदा क्लासेज हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, इनका पेपर नहीं होगा। 16 मार्च 2024 बरोज़ सैटरडे, हफ्ते वाले दिन जो है 1 क्लास का मैथ का पेपर होगा, ग्रेड 2 यानी क्लास 2 का जो है इस्लामियात इथिक्स का पेपर होगा, क्लास 3 का मैथमेटिक्स का पेपर होगा, क्लास 4 का जो है इंग्लिश का पेपर होगा, क्लास 5 का उर्दू का पेपर होगा, क्लास 6 का इस्लामियात इथिक्स और अखलाकियात का पेपर होगा, और उसके बाद जो है क्लास 7 का जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और क्लास 8 का जो है तर्जमतुल कुरान मजीद का पेपर लिया जाएगा। 18 मार्च 2024 मंडे वाले दिन जो है अव्वल क्लास का जो है उर्दू का पेपर होगा, क्लास 2 का मैथ का पेपर होगा, क्लास 3 का जो है नाजरा कुरान, क्लास 4 का भी नाजरा कुरान, क्लास 5 का जो है इस्लामियात और एथिक्स का पेपर होगा, क्लास 6 का साइंस का पेपर होगा, क्लास 7 का जो है अरेबिक और कंप्यूटर वालों का पेपर होगा, और क्लास 8 जो है उसका मैथेमेटिक्स का पेपर लिया जाएगा। 19 मार्च 2024 को जो है ट्यूज़डे वाले दिन ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4, 5 इनका पेपर नहीं होगा। 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, उर्दू और इंग्लिश जो है ज़बानी सुनी जाएगी, और इसके साथ जो है आप लोगों से इंग्लिश की रीडिंग वगैरह जो है और उर्दू की रीडिंग जो है वो देख के जो है सुनी जाएगी। इसके बाद जो है बात करता चलूँ 20 मार्च 2024 को वेनसडे वाले दिन जो है क्लास 1 का तजवीदी कायदा, क्लास 2 का जो है नाजरे कुरान, क्लास 3 का इस्लामियात और इथिक्स का पेपर होगा, क्लास 4 का जो है उर्दू का पेपर होगा, क्लास 5 का जो है सोशल स्टडीज़ का माशरती उलूम का पेपर होगा, क्लास 6 का जो है तर्जमतुल कुरान मजीद का पेपर होगा, क्लास 7 का साइंस का पेपर होगा, क्लास 8 का जो है अरेबिक और कंप्यूटर का पेपर लिया जाएगा। 21 मार्च 2024 को बरोज़ थर्सडे क्लास 1 से लेके 6 तक इनका कोई पेपर नहीं होगा, लेकिन क्लास 7 का जो है उर्दू का पेपर होगा, और क्लास 8 जो है उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर लिया जाएगा। 22 मार्च 2024 फ्राइडे वाले दिन जो है क्लास 1 का जनरल नॉलेज का पेपर होगा, क्लास 2 का इंग्लिश का पेपर होगा, क्लास 3 का जनरल नॉलेज का पेपर होगा, क्लास 4 का साइंस का पेपर होगा, क्लास 5 का जो है मैथमेटिक्स का, क्लास 6 का जो है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर होगा, क्लास 7 का जो है इस्लामियात और इथिक्स का पेपर होगा, और क्लास 8 जो है इस्लामियात और इथिक्स का पेपर लिया जाएगा। 25 मार्च 2024 बरोज़ मंडे 1 क्लास का इस्लामियात और इथिक्स का पेपर होगा,
क्लास टू का उर्दू का पेपर होगा, क्लास थ्री का उर्दू का पेपर होगा, क्लास फोर का जो है सोशल स्टडीज़ का पेपर होगा, और पाँचवीं क्लास का जो है साइंस का पेपर, छठी क्लास का इंग्लिश का पेपर, सातवीं क्लास का मैथ का पेपर, आठवीं क्लास का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर लिया जाएगा। जबकि 26 मार्च 2024 वाले दिन जो है क्लास वन टू थ्री का कोई पेपर नहीं होगा, क्लास फोर का इस्लामियात इथिक्स का पेपर होगा, क्लास फाइव का जो है नाज़रा कुरान का पेपर होगा, क्लास सिक्स का जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, क्लास सेवन और एट्थ का पेपर नहीं होगा। और 27 मार्च 2024 को बरोज़ वेनसडे बुध वाले दिन जो है क्लास वन और टू का पेपर नहीं होगा, थ्री फोर फाइव क्लास की जो है लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग, यानी आप लोगों से जो है अल्फाज सुने जाएंगे, आप लोगों से अल्फाज बुलवाए जाएंगे, उर्दू और इंग्लिश बुक जो है आप लोगों से सुनी जाएगी। उसके बाद क्लास सिक्स का जो है कंप्यूटर और अरबी का पेपर होगा, और क्लास सेवन का जो है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर होगा, क्लास एट्थ का जो है इंग्लिश का पेपर होगा। और इसमें जो है आप लोगों को रिज़ल्ट भी साथ बताता चलूँ, 31 मार्च 2024 को जो है आप लोगों का रिज़ल्ट अपने अपने स्कूलों में जो है तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान जो है अनाउंस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपडेट, आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।